नूह में रेडक्रॉस समिति द्वारा आयोजित प्रथम दिव्यांगजन जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हरियाणा राजकुमार मक्कड़ ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि दिव्यांग हमारे समाज का अभिन्न अंग है, जिन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए। इसके लिए सरकार हर प्रकार से प्रयासरत है, जिसमें जन सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए नौकरी में 4% आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही दिव्यांगों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। हरियाणा सरकार की ओर से अपने दिव्यांगजन जो नागरिक हैं उनके प्रति बहुत संवेदनशीलता का व्यवहार किया जा रहा है। अनेक योजनाएं पिछले समय में हरियाणा सरकार ने लागू की हैं। हरियाणा में आने वाले समय में दिव्यांगों को बैरियर फ्री वातावरण दिया जाए, इसके लिए तमाम बिल्डिंग जो हैं उनको दिव्यांग के आधार पर ही बनाया जाएगा। उसमें रैंप, उसमें ग्रिल, उसमें लिफ्ट, ये सारी व्यवस्थाएँ की जाएंगी। हरियाणा में जितनी भी नई बसें खरीदी जाएंगी उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम रहेगा, जिससे कि दिव्यांग बड़े आसानी से इसमें चढ़ सके। वहीं आपको बता दें कि रेड क्रॉस सचिव महेश गुप्ता ने जागरूकता कैंप में 440 दिव्यांगजनों द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया, जिनमें से 320 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, 50 दिव्यांग रोजगार हेतु और पेंशन संबंधित, 40 दिव्यांग प्रमाण पत्र में संबंधित समस्याओं को यथाशीघ्र निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। नूह से वी न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।